हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कक्षा नवमी का कविता नौ सॉरी कक्षा नवमी की कविता ललदियत के वाक। ठीक है, इसकी कवित्री है कश्मीरी संत ललदियत। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, शब्द यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो रस्सी शब्द यहाँ प्रयोग मनुष्य की सांसों के लिए हुआ है। रस्सी शब्द यहाँ मनुष्य की सांसों के लिए कहा गया है, जो मनुष्य के शरीर या जीवन रूपी नाव को खींच रही है। ठीक है, जो मनुष्य के शरीर को या हमारा शरीर जीवन जो है एक नाव की तरह है, जैसे नाव एक रस्सी से चलती है, उसी प्रकार से हमारी सांसों को, मनुष्य की सांसों को यह रस्सी खींच रही है। तो कवित्री के अनुसार यह रस्सी बहुत कच्ची है और कभी भी टूट सकती है। तब कवित्री यहाँ ये कहना चाह रही है कि यह रस्सी बहुत कच्ची है और यह कभी भी टूट सकती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, कवित्री यहाँ मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? मतलब जो कवित्री के लिए कवित्री मुक्ति के लिए जो प्रयास कर रही है वो व्यर्थ क्यों हो रही है? कवित्री ने प्रभु से मिलने के लिए या मुक्ति के लिए भक्ति का सीधा मार्ग ना अपनाकर उसने हठ योग का सहारा लिया, लेकिन उसमें भी वह ठीक से नहीं चल पाई और सारी उम्र गुजर जाने के बाद भी उनको प्रभु से मिलने का मार्ग ज्ञात नहीं हुआ, प्रभु से मिलने का मार्ग अभी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए वह इधर उधर भटक रही है और उनकी मुक्ति पाने के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवित्री ये क्यों कह रही है कि घर जाने की चाह से क्या अर्थ है, उनका क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर घर जाने की चाह से तात्पर्य है कि संसार के इस जन्म मरण के बंधन से, ठीक है, ये जो जन्म मरण का बंधन है, उस रूपी भवसागर से वो पार होकर उस परमात्मा में विलीन हो जाना चाहती है, जो सभी जीवात्माओं का स्थायी घर है, जहां से सभी जीवात्माएं आई हैं, वहीं वो रहना चाहती है। हमारा अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए, जय टटोली कोड़ी ना पाई। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है, भावार्थ। अपने जीवन के अंत समय में जब कवित्री अपनी जिंदगी का हिसाब किताब करने बैठी, अब यहाँ पे अपने जीवन का, जब उसके जीवन का अंत समय आया, तो कवित्री जो थी, जब अपने जीवन का हिसाब किताब करने लगी, तो उन्हें अपनी झोली बिल्कुल खाली नजर आई। ठीक है, तब उन्हें लगा कि उन्होंने अपने पूरे जन्म जीवन में पुण्य कर्म या अच्छे कर्म तो किए ही नहीं है और अब उनके पास पुण्य कर्म करने का समय भी नहीं है, वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि वो मृत्यु के काफी निकट है। दरअसल कवित्री परमात्मा को उत्तराई के रूप में क्या भेंट देगी, इस बात से चिंतित है। अब कवित्री किस बात से चिंतित है कि अब वो परमात्मा को, ठीक है, जैसे नाव लेकर जो व्यक्ति जाता है तो उस नाविक को भी क्या देना पड़ता है, एक उत्तराई के रूप में, है ना, उतराई उसको देनी पड़ती है। तो इसी प्रकार से वो कवित्री यहाँ पे बोली कि अब परमात्मा को उतराई के रूप में वो क्या भेंट देंगी, वो इसी बात से चिंतित है। हमारी अगली पंक्ति है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। ठीक है, तो भावार्थ है कि कवित्री ने जीवन में संतुलन बनाने के लिए मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही है। कवित्री कहती है कि मनुष्य को बहुत अच्छी, बहुत अधिक सांसारिक वस्तुओं वो भोग विलासिता में लिप्त रहने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। अब यहाँ पे कवित्री कहना चाह रही है कि अगर मनुष्य
बहुत ज्यादा सांसारिक वस्तुओं में उसका भोग विलास करता है, उसका प्रयोग करता है, तब भी उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। और एकदम अगर वो सब कुछ त्याग देता है, बिल्कुल सब कुछ त्याग कर वो वैराग्य के मार्ग को प्राप्त कर लेता है, तब भी उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इससे भी व्यक्ति जो है वो अहंकारी बन जाएगा, उसमें अहंकार की भावना जो है वो आ जाएगी हमारा। इसलिए वो मुक्ति के लिए मध्यम यानी संसार में रहते हुए वैराग्य धारण कर प्रभु की भक्ति करने की बात कर रही है कि संसार में जब हम हैं तभी हमें ईश्वर को याद करना चाहिए, ठीक है, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, बंद द्वार की संकल खोलने के लिए ललदियत ने क्या उपाय सुझाया है। बंद द्वार की संकल को, ठीक है, खोलने के लिए जो कवित्री है उन्होंने क्या उपाय सुझाया है। तो बंद द्वार की संकल खोलने के लिए कवित्री का आशय अपने दिल के दरवाजे सभी के लिए खोलने से है, कि जो अपने दिल के दरवाजे हैं वो सभी के लिए खोलने से है, यानी संसार के सभी लोगों को एक समान भाव से देखना। जो सभी लोग हैं संसार के, उन्हें एक भाव से देखना, एक समान नजर से उनको देखना। कवित्री यहाँ कहती है कि अपना जीवन संतुलित होकर जीना चाहिए, जो हमारा जीवन है वो हमें संतुलित होकर जीना चाहिए। इससे समानता की भावना जो है वो मन में उत्पन्न होती है और हृदय में दूसरों के लिए प्रेम, दया, करुणा, उदारता की भावना जन्म लेगी। अगर हम सभी को एक समान समझेंगे, एक समान उनके साथ व्यवहार करेंगे, तभी हमारे हृदय में दूसरों के लिए क्या पैदा होगा, प्रेम, दया, करुणा, उदारता, ये हमारे मन में जन्म लेगी। जब मन से तेरा मेरा राग द्वेष के भाव खत्म होंगे, तभी हम सभी लोगों को खुले मन से अपना पाएंगे, या अपने हृदय के द्वार सभी लोगों के लिए समान भाव से खोल पाएंगे। जब हम सभी के साथ अपनत्व की भावना रखेंगे, अपनेपन की भावना रखेंगे, तभी हम अपने हृदय के द्वार सभी लोगों के लिए खोल पाएंगे और उनके लिए समान भाव रख सकेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। अब ये जो हमने कविता पढ़ी है, इसमें कुछ ऐसी पंक्तियां भी निकल कर आई हैं जिनसे ये लाइंस का भावार्थ निकल कर आता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। आई न सीधी राह, गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दू क्या उतराई। ठीक है, तो ये पंक्तियां हैं। प्रश्न साथ है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। तो ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है कि उसके अनुसार कवित्री ललदियत, कश्मीरी संत ललदियत, ठीक है, तो उनके अनुसार ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं, वह हर इंसान के अंदर समाये हैं। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति वह है जो ईश्वर को मंदिर, मस्जिद में ढूंढने की बजाय अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करते हैं, अपने भीतर खोजने का प्रयास करते हैं, अपने आप को जानने पहचानने का प्रयास करते हैं और अपने मन को पवित्र व निर्मल कर ईश्वर भक्ति में लीन रहता है, क्योंकि उस परमात्मा से मिलने का यही एकमात्र साधन है, यही एकमात्र रास्ता है। हम ईश्वर की प्राप्ति तभी कर सकते हैं अगर हम उनको अपने भीतर खोजेंगे, हम सभी को एक भाव से देखेंगे, सभी को समानता की नज़र से देखेंगे और अपने आप को जानने पहचानने का प्रयास करते हैं हम, तो अपने मन को हम पवित्र और निर्मल करके ही ईश्वर की भक्ति में हमारा मन लीन हो सकता है, रह सकता है, क्योंकि उस परमात्मा को मिलने का
यही एकमात्र सहारा है। इसके अलावा हम परमात्मा को किसी भी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते। धन्यवाद।